तो कल हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? इसमें मॉबियस इन्वर्जन फॉर्मूला, मॉबियस इन्वर्जन फॉर्मूले की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने देखी। लेकिन जो मॉबियस इन्वर्जन फॉर्मूला मेन था, वो स्टेटमेंट लिखा के छोड़ दिया था। वो स्टेटमेंट समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं और तब वो प्रूफ करा पाऊंगा, तो शायद जल्दी समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन की तरह ही मान लीजिएगा। तो इससे आपको मेन रिजल्ट में काफी चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो इन जनरल समेशन का इंटरचेंज कैसे कर रहे हैं हम, यहां पर ये देखिएगा। समेशन, और एक एग्जाम्पल ले रखा है डी डिवाइड्स 10, वो डी डिवाइड्स एन था बेसिकली। और सी डिवाइड्स 10 बाई डी, म्यू डी और एफ सी, ये प्रूफ करना है आपको कि यह होगा समेशन सी डिवाइड्स 10 एंड डी डिवाइड्स 10 बाई सी। टेन बाई सी एफ सी म्यू डी, मैंने कल बताया था कि म्यू तो हर बता ही रखा है, स्मॉल एफ क्या है ये बताया था। सर अच्छा, नहीं बताया था स्मॉल एफ के बारे में, नहीं बताया, म्यू के बारे में पता है। चलो ठीक है, एफ को कर लेते, देखते हैं इसको। तो इस बात को समझना जरूरी है ताकि इन जनरल जब एन के लिए आए, अब एक बात सोचिए, अगर डी 10 को डिवाइड करता है तो 10 अपॉन डी, आप चाहें तो उसे सी ले लें या डी डैश, इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ जिसका 10 10 का डिवाइजर, डी डिवाइड्स एन, देन एन अपॉन डी ऑल्सो डिवाइड्स एन। याद आ रहा है, ऐसा मैंने बोला था कहीं। यस सर तो पहली बात तो ये समझ में आएगी। चलो म्यू तो हमें म्यू फंक्शन डिफाइन है, एफ एट जनरल फंक्शन ले रखा है। तो चलिए हम इसको अब सिंप्लीफाई करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। डी डिवाइड्स 10, सी डिवाइड्स 10 बाई डी, म्यू डी एफ सी। तो डी टी एट वैल्यू रखिए, डी टी एट वैल्यू, पहला डिवाइजर 10 का 1 हुआ तो म्यू 1। तो फिर अगर डी आपने 1 रख रहा है तो बाकी समेशन हो जाएगा सी डिवाइड्स 10 अपॉन 1, मतलब 10 अपॉन 1 तो 10 ही हुआ इस बार, ऑफ एफ सी प्लस 10 का दूसरा डिवाइजर 2 हुआ तो म्यू ऑफ 2। तो म्यू मतलब डिवाइजर जो है 2 रख दिया आपने, डी टी जो 2 रखा तो सी डिवाइड्स क्या हो जाएगा बच्चों, 5 5। फिर भी किसी को दिख रहा था तो मैं 10 बाई 2 लिख देता हूं, एफ ऑफ सी प्लस वन टू, फिर 5 हुआ तो म्यू 5। तो समेशन सी डिवाइड्स 10 बाई 5
ऑफ एफ सी प्लस म्यू टेन सी डिवाइड्स 10/10 मतलब 1 ऑफ एफ सी। चलिए ठीक तो म्यू वन पहले लिख लेते हैं, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे तो सी 10 को डिवाइड करता है, तो जाहिर सी बात है यहां भी वही आएगा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ फाइव प्लस एफ 10। फिर नेक्स्ट म्यू ऑफ टू, यहाँ सी 5 को डिवाइड करेगा तो 1 और 5 ही आएंगे, तो एफ 1 प्लस एफ 5। नेक्स्ट प्लस म्यू 5, तो सी 2 को डिवाइड करता है तो 1 और 2 ही आएंगे, एफ 1 प्लस एफ 2। और म्यू 10 अगर आप करते हैं तो सी 1 को डिवाइड करता है तो केवल एफ 1 ही आएगा। ठीक, अब इसको बताना है कि ये इंटरचेंजेबल है, तो इंटरचेंजेबल का तरीका ये है कि अब एफ वन को कॉमन ले लो, म्यू वन की जगह पर वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं एफ वन को कॉमन ले लूं बच्चों, तो देखिए तो हर एक ब्रैकेट में से क्या क्या मिला, म्यू वन प्लस म्यू टू प्लस म्यू फाइव प्लस म्यू 10 प्लस एफ 2 भी ले लीजिए, आपको लगेगा ये तो वैसे सिमेट्री जैसे ही आ रहा है पूरा। एफ 2 कॉमन ले लीजिए तो म्यू 1 प्लस एफ 2 है ना, एट तो यहां आया, म्यू 5 प्लस 2 ही आया। नेक्स्ट एफ 5 म्यू 1 प्लस म्यू 2, हाँ मैं 2 ही, प्लस एफ 10 तो म्यू 1 आया। आप लोग देखिए आपको लग रहा है सिमेट्री है, ऊपर देखिए म्यू वन किया सिग्मा वाले, नहीं नीचे नीचे वाला जो है, यस सर, सभी लोगों को महसूस हो पा रहा है कि दोनों सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, जैसा एक्सप्रेशन ये है ऐसा ये नीचे यस वाला भी है या नहीं। देखिए तो एफ वन और म्यू वन इंटरचेंज जैसे नहीं हो रहे हैं। सर, यस हाँ सर, जी, तो क्या लिखा जाए फिर, अब आगे हो F1 है तो अब मैं इस बार समेशन एफ के लिए डी लिख देता हूं, तो डी डिवाइड्स 10, तो म्यू के लिए लिख देता हूं सी, जहां सी डिवाइड्स 10/d। क्या ये ठीक हो रहा है, जरा सोचिए। तो डी पहले 1 रखा तो एफ 1, तो म्यू में चारों आएंगे क्योंकि डी 1 है, फिर डी की जगह 2 रखा एफ 2, तो फिर म्यू की जगह 2 रखा तो 1 और 5 आएंगे। बच्चों सहमत हैं आप लोग? यस सर,
वो आपकी इच्छा है कि आप सफिट्स इंटरचेंज करें, क्योंकि तो डमी सफिट्स हैं। मैं किताब के हिसाब से जो मुझे प्रूफ करना था अगर वो सोचूं, तो आप यहाँ सी डिवाइड्स 10 लिख लीजिए, वो किताब में ऐसा था, मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं, फिर मैंने डी लिख दिया, सी डिवाइड्स 10 और फिर डी डिवाइड्स 10/C, कोई बात नहीं, तो सी है तो एफ ऑफ सी हो जाएगा, मी ऑफ डी हो जाएगा, यही था राइट हैंड साइड। सर तो बच्चों ये दोनों एक ही चीज है, सी और डी से कोई फर्क नहीं पड़ा कि किसको आप डी मान रहे हैं, वो डी मानोगे तो दूसरा सी हो जाएगा, इनको हम डमी सफिट्स कहते हैं। क्या फर्क पड़ता है, आप आई और जे लिख लेते तो भी वही होता। सभी लोग समझ पाए कि ये कम्यूटेटिविटी है। सर तो ये काफी अच्छा रिजल्ट है, अगर ये समझ में आ गया है आपको पूरा और आपने नोट भी कर लिया है, तो अब मैं मेन रिजल्ट पे डायरेक्टली प्रूफ कर सकता हूँ। मेन रिजल्ट को मैं अब लिखता हूँ, कल जो लास्ट में हमने किया था मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला, मैं दोबारा लिख रहा हूँ। मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला, लेट कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ बी टू नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, बी टू नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस रिलेटेड बाई कैपिटल एफ एन इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एफ डी, कौन से डी के ऊपर, जहां डी एन को डिवाइड करता है, ठीक है। देन अगर ऐसा है तो जो स्मॉल एफ एन इक्वल टू इन्वर्जन था, उल्टा था, तो आप इसे लिख सकते हैं म्यू ऑफ डी तो एफ ऑफ एन अपॉन डी, डी डिवाइड्स एन, और आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आप म्यू ऑफ एन अपॉन डी और कैपिटल एफ ऑफ डी भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेट या भाई कर्सर कैपिटल डी, और यहां भी वही होगा डी डिवाइड्स एन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रूफ करना है। उम्मीद है कि जो अभी पढ़ा है उससे मदद मिलेगी, कुछ स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट कल आपने लिखा ही था, तो हम उसे सीधे आगे बढ़ाते हैं। इनको सॉल्व करना है जो राइट हैंड साइड है, और उन दोनों से आपको एफ एन ले आना है, ठीक है। नाउ समेशन म्यू ऑफ डी कैपिटल एफ ऑफ एन अपॉन डी और डी डिवाइड्स एन इक्वल टू हुआ समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी, तो ठीक है कैपिटल एफ को डिफाइन ऊपर कर रखा आपने, कैपिटल एफ ये, तो उसकी वैल्यू रखेंगे तो एट समेशन और आ जाएगा या नहीं। यस सर तो उसे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहां पर समेशन वो कैपिटल एफ एन था, अब एफ एन अपॉन डी है, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, एफ एन अपॉन डी और डी डिवाइड्स एन अपॉन डी, यही लिखा है। यस सर तो दोनों समेशन ये हैं, एट में डी डिवाइड्स एन है, एट में डी डिवाइड्स एन बाई डी है, और आपको करना है म्यू ऑफ डी
स्मॉल एफ ऑफ एन अपॉन डी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सफिक्स बदल देते हैं, अब हम डी और सी में ले आते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा था, ताकि हमारे लिए आसान हो। पहला तो डी डी डिवाइड्स एन, ठीक है, और इसको सी डिवाइड्स एन बाई डी लिखते हैं, तो म्यू ऑफ डी तो पहला ठीक है, दूसरा एफ ऑफ सी हो जाएगा फिर, अगर डी एन को डिवाइड कर रहा है तो डी एन एन बाई डी टू को इस्तेमाल लिया, बच्चों ये समझ में आया या नहीं आया? कैपिटल एफ स्मॉल एन बाई डी, म्यू ऑफ डी तो ठीक है एफ एन बाई डी। अब बाद वाले में दो से डमी बदल रहा है ना, डी डिवाइड्स सर हम एन बाय डी को सी के इक्वल लेंगे तो डी डिवाइड से सी नहीं आएगा। अच्छा नीचे ना, मैं भी वही सोच रहा हूँ। डिवाइड्स एन डी डिवाइड्स सी, तो डी डिवाइड्स एन और सी डिवाइड्स एन बाई डी। सफिक्स में समेशन को रेसेंट रेसेंट होगा, केवल डमी सफिक्स का ही रोल है इसमें, बाकी प्रूफ करने में कुछ है नहीं ज्यादा। आसानी से प्रूफ हो रहा है वरना। यहाँ पर हमें कुछ और डमी सर्किट से इसमें कैसे बदलाव करें, बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है, शायद हम बात को पकड़ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं मिस हो रही है चीजें। आप लोगों के दिमाग में आ पा रही है कोई बात नहीं, पर भी नहीं। मुझे लगता है थोड़ा काम करना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा उम्र। इसको आप भी होमवर्क के तौर पर सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जल्दीबाजी में अभी करने से अच्छा है मैं आराम से सोच के बताऊं तो मैं। सर,
हाँ सर इसमें हमें ये जो हमने एक्सप्रेशन लिया है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हमें प्रूफ किसके इक्वल करना है? स्मॉल एफ, स्मॉल एफ एन, ये वाला लेफ्ट हैंड से, ये है ना, ओके सर, ये जहां अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये राइट, ये ओवरऑल सॉल्व करके, क्योंकि म्यू फंक्शन तो हो ही जाना है, म्यू फंक्शन की वैल्यूज तो मालूम ही होती है हमको, मोबियस इन्वर्जन, तो स्मॉल एफ में आ जाएगा वो, लेकिन हड़बड़ाहट में डर के कोई फायदा नहीं है, कहीं ना कहीं चीजें कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, मिस क्या हो रहा है मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है अभी तो। तो मैं अपने लिए भी होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूँ इसको, और आपके लिए भी, जिससे भी हो जाए शेयर हो जाएगा। अभी मुझे लगता है समय जितना भी है उसमें आगे बढ़ जाए, कुछ नया करता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, प्रूव दैट म्यू एन इंटू म्यू एन प्लस वन इंटू म्यू एन प्लस टू इंटू म्यू एन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, प्रूव करना है ये जीरो होगा, इसको कैसे करें, थोड़ा सोचिएगा। देखिए जो नंबर एन है ना, वो एन प्लस जीरो, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री फॉर्मेट में आया हुआ है ना, यस तो सर, ये मुझे लगता है हिंट दे रहा है हमें कि नंबर जो है वो हम उस फॉर्मेट में ही लिखें तो कैसा रहेगा। जिसमें रिमाइंडर जो है बच्चों, 1 0 1 2 3 आएगा, तो मॉड्यूलो 4 पे लिखेंगे या नहीं नंबर को, डिवीजन एल्गोरिथम, तो यस सर, मैं लिख देता हूं, मतलब ये चीज हिंट दे रही है हमें कि नंबर को कैसे, फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन राइट तो जो कोई भी नेचुरल नंबर है उसको आप कैसे लिखते हैं, 4q+ आर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां आर की वैल्यू सीधे ही लिख लो 0 1 2 3, चार वैल्यू ऐसे, ठीक है, एक एक करके कर ले, रिमाइंडर जो है रिमाइंडर जीरो सोचो सबसे पहले, रिमाइंडर अगर रिमाइंडर जीरो लेते हैं आप तो एन कितना आ जाएगा, 4q, 4 का मल्टीपल, एन अगर ऐसा होगा बच्चों तो 4 डिवाइड करेगा एन को, मतलब 2 स्क्वायर डिवाइड्स एन, अगर कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर फ्री नंबर नहीं है फिर ये, तो इसका म्यू एन कितना आ जाएगा फिर, सर 0, जीरो म्यू एन जीरो हो तो बाकी जीरो नहीं भी हो तो प्रोडक्ट तो जीरो आ जाएगा ना, यस सर, मतलब इस केस में म्यू एन जीरो हो जाएगा ये कहना चाह रहे हैं, तो ठीक है बाकी तीन जो भी हो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो ऐसे ही सोचते रहना हर बार, सो इस केस में ये जीरो हो गया, म्यू एन एन प्लस वन, म्यू एन प्लस टू, म्यू एन प्लस थ्री जीरो हो जाएगा, ऐसे आपको चार सिचुएशन सोचनी है, मुझे लगता है ये सरल सवाल होना चाहिए, ऐसे आप दूसरे में सोचिए, अगर आर वन लेते हैं आप तो एन कैसा हो जाएगा आपके पास, 4q+1, तो n+3 क्या होगा बच्चों, लास्ट वाला 4q+1+3,
फिर वही 4 टाइम्स 2 प्लस 1, फिर 2 स्क्वायर डिवाइड्स n प्लस 3, तो म्यू एन प्लस थ्री 0 हो जाएगा। बेटा दरवाजा बंद कर दोगे? समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अच्छा बच्चों, R2 रख के आप ही लोड बताओ फिर। अब मैं इसे क्या करूँ, ये तो बहुत ट्रिवियल हो रहा n+2 वाला 0 हो जाएगा। है। R2 रखोगे तो 4 क्यूब प्लस 4 उससे आ जाएगा, और लास्ट में 3 रखोगे तो 1 वाला की वजह से 0 आ जाएगा। तो हर सिचुएशन में ये 4 भी तो हर सिचुएशन में ये 0 होगा या नहीं, क्लियर है? यस सर। यस हाँ, बस इतना ही समझना था इसमें। और 4 तक रखना था, 3 तक आना था, तो मुझे 0 1 2 3 दिखा, तो मैंने 4 मॉड्यूलो पे कर लिया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सोचते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, प्रूव दैट नेचुरल नंबर है 3 या उससे बड़ा, समेशन म्यू ऑफ फैक्टोरियल k और k फ्रॉम 1 to n 1 होगा। ये 1 आएगा, ये प्रूव करना है। अगर आप n3 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, म्यू फैक्टोरियल k फ्रॉम 1 to 3, तो कितना लिखेंगे इसे आप, फैक्टोरियल 1 प्लस म्यू फैक्टोरियल 2 प्लस म्यू फैक्टोरियल 3, तो म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 2 इंटू 3। हाँ बच्चों, म्यू 1 1 होता है, म्यू 2 कितना आया था कल, -1 -1 -1, और ये लास्ट कितना हो रहा, -1 का स्क्वायर, वेरी इसको 2 प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर लिख रहे हैं ना, सर। कितना आ जाएगा, ठीक हो गया 3 में तो ठीक है। अगर आप 4 लेते हो तो नेक्स्ट, अगर आप n इक्वल टू 4 ले लें तो समेशन k इक्वल टू 1 to 4 म्यू फैक्टोरियल k कितना आएगा, नहीं आएगा। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही, 2 फैक्टोरियल 2 ही हुआ, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 हुआ, और म्यू फैक्टोरियल 4, 4 का मतलब हुआ 4 3 2 1, तो 2 क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल 4 इतना ही हुआ ना। यस सर। वन प्लस -1 -1 स्क्वायर और ये 0 0, तो 1 ही आएगा। यस सर। अच्छा इससे आगे के सारे नंबर में 4 4 आएगा, और 4 भी आएगा, 2 भी आएगा, तो 2 क्यूब हो जाएगा, तो आगे के सारे स्क्वायर स्क्वायर फ्री नहीं रहेंगे। 5, हाँ फैक्टोरियल है ना, ठीक है ठीक है बच्चों, फैक्टोरियल 5 है तो उसमें 4 आएगा या नहीं, यस सर।
यस सर, अच्छा फोर आएगा तो टू स्क्वायर डिवाइड कर देगा, तो म्यू फंक्शन तो जीरो हो जाएगा उसका। फैक्टोरियल सेट 7 एंड सो, आप सोचते रहिए आगे के, सभी में 4 आएगा ना, तो 2 स्क्वायर डिवाइड करेगा तो म्यू फंक्शन की वैल्यू सभी के लिए 0 होगी। बहुत बढ़िया, तो आप यहाँ लिख देंगे अगर एन 4 या उससे ज्यादा हो तो 2 स्क्वायर डिवाइड एन फैक्टोरियल के, फैक्टोरियल एन, दिस इंप्लाइज म्यू ऑफ फैक्टोरियल एन जो भी होगा वो 0 आ जाएगा। तो उस समय सो इन एनी केस जितने भी हमने देख लिए, ये जो समेशन है ट्री फ्रॉम 1 to n, 3 देख के भी ले लिया पेट्रोल के, ये 1 ही आएगा। अच्छा सवाल लग रहा है, ठीक है। ठीक है यहाँ तक तो आगे बढ़ाते हैं। बच्चों ये जो सिंबल है, मैं एक सिंबल बना रहा हूँ यहाँ पर राइट साइड में, इसको क्या पढ़ते हैं? लैटिन वर्ड है, इस सिंबल को पढ़ते क्या है मालूम है? सही, कैपिटल लैम्डा है क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये स्मॉल लैम्डा है बच्चों, जो ऊपर वाला है, मैंने तब बताया होगा, ये आपने वैसे भी कहीं पढ़ा हो सकता है, मैंने बताया था जब आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस सब ग्रुप्स, अभी तो इतना ही पढ़ा है, ये आर्बिटरी इंटरसेक्शन ओपन सेट क्लोज सेट में पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन और यूनियन, तो हम आर्बिटरी में इंडेड सेट बनाते हैं तो कई बार लैम्डा बना देते हैं, कई बार डेल्टा बना देते हैं, क्योंकि तो वहां ये कैपिटल डेल्टा है, ये स्मॉल डेल्टा है, ये कैपिटल डेल है, ये स्मॉल डेल है, कईयों को एक ही लगता है सब, डेल और डेल्टा अंतर ही नहीं समझते, कैपिटल हो या स्मॉल हो, कहाँ डेल लगना है कहाँ डेल्टा लगना है ये समझ नहीं आता लोगों को कई बार। तो ये कैपिटल लैम्डा है, ठीक। तो एक फंक्शन नया डिफाइन है, ये दो फंक्शंस बता रहा हूं मैं इस एक्सरसाइज में आएंगे, इनको जरा समझना है। पहले फंक्शन का नाम है मैनगोल्ड, मैन COLDT, मैनगोल्ड फंक्शन, लैम्डा। तो लैम्डा एन इक्वल टू लॉग ऑफ पी बेस ई, इफ एन इक्वल टू पी टू द पावर के, पी प्राइम है और के 1 या उससे बड़ा है, पी इज प्राइम, और इसकी वैल्यू 0 है अदरवाइज, तो ये आपको प्रूफ इसमें प्रूफ बाद में, पहले फंक्शन तो समझ लीजिए क्या है, मैनगोल्ड। अगर आपका नंबर केवल 80 प्राइम फैक्टर की कुछ पावर है, जैसे 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 की पावर समथिंग, तो इस फंक्शन की वैल्यू लॉग ऑफ पी के बराबर है,
वरना ये जीरो है हर जगह पे। और दूसरा एक तो ये आपको सीखना है, दूसरा फंक्शन मैं बता रहा हूं, लियोविली फंक्शन, लैम्डा फंक्शन। कल भी इस आदमी का ट्रेन दिख रहा आया था, इसका स्मॉल लैम्डा कर दिया इसने। लियोविली फंक्शन, लियोविली लैम्डा फंक्शन। लैम्डा वन वन होता है और अगर एन जो है वन से बड़ा हो तो लैम्डा एन इक्वल टू है -1 की पावर K1 से KR तक का सम। वेर जो n है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में P1 की पावर K1, PR की पावर KR। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और फिर लैम्डा एन, ये है, ये लियोविली फंक्शन है। मैं एक छोटा सवाल दे रहा हूँ आपको, फाइंड लैम्डा स्मॉल लैम्डा 360 की वैल्यू बताइए तो प्लीज। +1 अच्छा, और लोगों से भी बोल लेते हैं। सवर्नर ठीक है, सवर्नर वन आ रहा है, ठीक हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन है पहला, प्रूव दैट स्मॉल लैम्डा ये लियोविली फंक्शन इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। क्वेश्चन लिखें, प्रूव दैट लैम्डा एन स्मॉल एन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। कैसे कर सकते हैं क्या हम इसको? इसको होमवर्क के तौर पर देना ठीक है, कर लेंगे यस सर। ठीक। तो मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मुझे लगता है इतना अब होना चाहिए। तो अब मैन गोल्ड फंक्शन जो ऊपर वाला है उसके बारे में एक सवाल है, मैं उसे कराता हूँ। उस फंक्शन के बारे में भी कुछ होना चाहिए। तो वो कैपिटल लैम्डा एन है, प्रूव दैट कैपिटल लैम्डा एन मैन गोल्ड फंक्शन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ, ये समेशन है डी डिवाइड एन टू है म्यू एन बाई डी इंटू लॉग ऑफ डी या माइनस टाइम्स, ये भी वही आएगा डी डिवाइड एन म्यू ऑफ डी और लॉग ऑफ डी।
दोनों में लॉर्ड ऑफ डी ही लिखे हैं। चलो ठीक है, कैसे करें? बच्चों को सोच पा रहे हैं? मान लेते हैं बाकी जगहों पर तो ये जीरो ही होता है लैम्डा एन, तो क्या लेना है? तो एन कैसा ले लें? पी टू द पावर ट्रे टाइप का, जहां ट्रे नर पीज प्राइम, केवल इन्हीं पे कैलकुलेट करना हुआ फिर लैम्डा एन यस क्यों? सर, बाकी जीरो कैलकुलेट करके मिलना क्या है आपको? चलो ठीक है, तो पहले स्टेशन करते हैं। डी डिवाइड्स एन म्यू एन बाई डी लॉग ऑफ डी, और एन आपने रख दिया है पी की पावर के, तो डी डिवाइड्स पी की पावर के म्यू पी की पावर के बाई डी और लॉग ऑफ डी बेस। चलिए रखते हैं पी टी पावर के को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? वन पी पी स्क्वायर पी क्यूब अप टू पी टी पावर के तक ना। डी यस टी सर, जो वन रखूंगा तो क्या आएगा बच्चों? डी टी जो वन म्यू जीरो पी टी पावर के, पहले लिख लेता हूँ फिर रखूंगा। हाँ डी टी जो वन रखूंगा तो लॉर्ड वन, प्लस फिर क्या रखूंगा? म्यू पी टी पावर के माइनस वन। डी टी जो पी रखूंगा ना अगले बार यस सर, लॉर्ड ऑफ पी, फिर लास्ट में सेकंड लास्ट पे रख लेते हैं। चलो सेकंड लास्ट पी टी पावर के माइनस वन होगा तो पी आ जाएगा लॉग ऑफ डी, और लास्ट में म्यू वन आ जाएगा लॉग ऑफ डी। तो म्यू वन वन होता है ठीक है ना। डी टी जो लास्ट में, अच्छा डी टी रख रहा हूँ, पहले मैं वन रख रहा था फिर पी रख रहा था, यहाँ पर लॉग ऑफ सो पी टू द पावर के माइनस वन, तो के माइनस वन, और यहाँ पी टू द पावर के, पी टू द पावर के। तो म्यू वन तो ठीक है, म्यू पी कितना होता है? माइनस माइनस वन, और ये टर्म बचेगी ठीक हो गया, ये भी बचेगी, इससे आगे की म्यू पी स्क्वायर आएगा वो कितना होगा? वन अरे म्यू ऑफ पी स्क्वायर यार, जीरो जीरो सर, सभी फिर आगे को सभी जीरो हो जाएंगे। म्यू पी है फिर इससे पहले यहां पर म्यू पी स्क्वायर आना है, यहाँ पर म्यू पी स्क्वायर आता तो लॉग हो जाता, पी स्क्वायर आने के लिए पी जी पावर के माइनस टू हो जाता। मैं ये कह रहा हूँ म्यू पी स्क्वायर जीरो होगा तो म्यू पी क्यूब और आगे से सारे जीरो हो जाएंगे या नहीं? प्लस म्यू ऑफ पी कितना होता है? माइनस वन लॉग ऑफ पी टी पावर के माइनस वन, म्यू वन वन होता है लॉग पी टी पावर के,
कितना आ गया है, लॉट दिस माइनस लॉट दिस कितना लिखूंगा, लॉट पीजी पावर ट्री अपॉन पीजी पावर ट्री माइनस वन, तो कितना आ जाएगा ये, लॉट ऑफ पी क्या लैम्डा एन होता है, अरे भाई ठीक यस सर, यस सर। है, तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो आज दो छोटे छोटे नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस हुए खाली अभी, एक लियोविली लैम्डा फंक्शन स्मॉल लैम्डा और दूसरा मैनगोल्ड कैपिटल लैम्डा फंक्शन, दो लेट से ट्रिलाइट मेरे ख्याल से या एट है, दो में देखते हैं, दो ट्रिलाइट है अभी मैटर, आज फ्राइडे है, इस हफ्ते ये हो जाना चाहिए पूरा। तो नेक्स्ट हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में रहेगा, काफी महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है। आप बता सकते हैं कि फैक्टोरियल किसी भी एन फैक्टोरियल ले लीजिए, तो एन फैक्टोरियल में कितने एन कोई भी नंबर हो कितने जीरो आते हैं लास्ट में, फैक्टोरियल 78 में कितने जीरो आते हैं, कुछ भी एन फैक्टोरियल में कितने टू आएंगे, कितने फाइव आएंगे, कितने सेवन आएंगे, कितने प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर कितनी बार आएगा, बहुत यूजफुल चीजें हैं जो 12वीं के बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट में इसमें जरा थ्योरिटिकल ज्यादा हो रहा है इसमें, इन्वर्जन में कोई बात नहीं, जो आज ये थोड़ा सा वो अटका हुआ था उस पे आप लोग भी सोचिएगा, थोड़ा मैं भी सोचता हूँ कि चीजें सरल तरीके से कैसे समझाई जाए, जबरदस्ती नहीं। नहीं आ रहा तो सॉरी कहना बेहतर है बजाय कि गलत बताने के। मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते बच्चों एक चीज और आनी चाहिए जिंदगी में कि जहां नहीं आता इंसान को सोचना चाहिए, हम सुपरमैन थोड़ी हैं, आम इंसान है, हमें तो थोड़ा सा आता है, अधिकतर तो नहीं आता है, तो नहीं आता है कहना ईमानदारी से एक्सेप्ट होना चाहिए हमेशा। तो मुझे भी नहीं आ रहा अभी तो वो समझ जाना, मैं आज समय मिलता है क्योंकि अब चुनाव ड्यूटी आ रही है, आज एसडीएम ने मीटिंग लेनी है द्वाराहाट में, तो अब चुनाव ड्यूटी का मतलब समझते होंगे आप लोग कि कई बार डिस्टरबेंस होगा,